वाले को 4 महीने से 6 महीने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को 1.25 महीने से 2 महीना ही लगेगा और ठीक होगा। और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के, इसको दोबारा टीबी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए। तो समझ में आया कि बाघ भट्ट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए, सही। फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही है, ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं, उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र, क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पिए नहीं, उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरप है, आप इसको पीते रहो। अब वो आते थे, शिकायत करते थे कि ये कैसा सिरप है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सिरप तो मीठे मीठे लगते हैं, कि भाई ये सिरप दूसरे तरह का है। तो उनको बताएं तो पिए नहीं और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं, तो हमें तो करना था, तो उनको बताया गया। तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है, डॉट्स माने उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई। डॉट्स तो काम कर ही रही है, लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महीने में खत्म होने वाली थी वो 2.25 महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भैया वो शीशी में भर के जो दिया था वो गोमूत्र था, तो तुरंत नाक चढ़ गई उनके, ठीक हो गए। कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिंदा भी बचेंगे, लेकिन नाक तब भी चढ़ गई। तो ये जो नाक चढ़ती है हमारी, ये अब कम कर दीजिए इसको चढ़ाना। गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके हम एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज। 48 डिसीज हैं, 48 रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, तीनों के जड़ से खत्म होते हैं। अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जब मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय ज्यादा काम हो रहा है कैंसर पे, कि गोमूत्र का कैंसर पे असर देखो क्या होता है। तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का, इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम है गोमूत्र के, तीनों कैंसर पे। बाकी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है। तो भागवत जी के जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, मतलब कि गोमूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी, वो करके देख रहे हैं, और वो करके देखने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है इस देश में। आप कभी भी वहां जा सकते हैं, 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा, वलसाड में बन रहा है। वलसाड, वलसाड आपने सुना है गुजरात में, तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था। माने हॉस्पिटल बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया, जगह भी दे दी, तो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। जो वैज्ञानिक गोमूत्र पर काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से, वो सब इकट्ठे होकर वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पे काम करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं, वो सब में अच्छा है, हर बीमारी में काम आ रहा है, कैंसर में करेंगे, और हर तरह के कैंसर में करेंगे, गर्भाशय के कैंसर में करेंगे, रक्त कैंसर में करेंगे, ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कन्वर्ट होता है उसमें करेंगे। और शायद हमें लगता है 1-1.5 साल के बाद मैं दोबारा आपको मिलूंगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है। 3 तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं, गले का, आहार नली का और पेट का, ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है, लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है। आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक केमिकल कम होता है, उस केमिकल का नाम है करक्यूमिन। ये आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है, करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है, ये कम है तो जरूर तो खत्म होगा आदमी, कैंसर आएगा और खत्म होगा। और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता,
तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूथ जैसा बना लेती है, वो ट्यूमर हो जाता है, फिर ट्यूमर बाद में ब्लास्ट होता है और फिर वो मैलिग्नेंट होता है, पहले बिनाइन फिर मैलिग्नेंट और फिर अंत में कहते हैं जी डेथ ही है और कुछ है नहीं, उसमें कंट्रोल के बाहर है वो सब, सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए। अब संयोग की बात देखिए कि जिस करक्यूमिन की बात आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं वो करक्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है, भरपूर मात्रा में, और एकदम डाइजेस्टिबल फॉर्म में है। डाइजेस्टिबल माने तुरंत पियो और असर करे, ऐसा देर नहीं लगे, ये कुछ ऐसा संयोग है प्रकृति का। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तत्व कम होता है तभी कैंसर होता है। अब यही तत्व गाय के मूत्र में है तो हजारों साल पहले बागवट की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी, साल भर में तो सब मान लेंगे। अब तक जितने रिसर्चेस हुए हैं गोमूत्र पर, इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई। भारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले, तो वो सब गया तो MCI वालों ने नाक चढ़ाई बहुत, ये क्या आप ले आए गोमूत्र, ऐसा बात करते हैं, ये क्या ले आए गोमूत्र, माने उनको लगता है कि ये तो बेकार की चीज है गोमूत्र। अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो, कुतर्क, तर्क है तो चलो अच्छा है हम उनसे संवाद कर सकते हैं समझा, कुतर्क करते हैं, कहते जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से। जब हमारा झगड़ा हुआ ना MCI वालों से, आधुनिक डॉक्टरों से, और उन्होंने ये कुतर्क करना शुरू किया कि क्या फालतू बात करते हैं गोमूत्र इसमें कुछ है क्या, मैंने कहा भैया बहुत कुछ है, नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो 3500 साल पहले इसको लिख के चला गया, और उसके बाद भी कई लोगों ने कहा, वैद्यों ने कहा, कई वैद्य हैं जो बिना आपको बताए गोमूत्र देते रहते हैं और आपको ठीक करते रहते हैं, उनके बहुत सारे काढ़े बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं, आपको नहीं बताते ये अलग बात है, क्योंकि हर वैद्य मुझे यही कहता है बता दो तो नाक चढ़ जाती है सबकी, नाक चढ़े तो थोड़ा रेजिस्टेंस आता फिर दवा का असर कम हो जाता, तो बिना बताए देते रहते हैं, तो हमको कॉन्फिडेंस था। तो डॉक्टरों से जब झगड़े हुए हमारे आज के डॉक्टरों से, तो उनका पहला ही कुतर्क था जी अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों, खुद ना रखती उसको। तब मुझे मेरी पुरानी एक बात याद आई, मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी, वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ज्ञान बहुत था उसको, हमारे देश में ऐसा ही है, जो स्कूल कॉलेज में नहीं गए वो सब ज्ञानी है। ये मेरा 15 साल का 100% तजुर्बे का हिस्सा है, इसमें कोई कमी नहीं है, जो स्कूल नहीं गए कॉलेज नहीं गए बहुत ज्ञानी है, उनके पास नॉलेज बहुत है, फंक्शनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, ऑपरेटिव और फंक्शनल नॉलेज उनको जबरदस्त है, और वो इतनी ज्ञान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर घूम जाता है। एक बार मैं आपको ये छेपक है लेकिन मैं जोड़ देता हूं आपको समझ, मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पे उतरा, बहुत बार जाता रहता हूं घूमता रहता हूं, तो रात के 2:30 बजे थे, अब ट्रेन से उतर गया, सामान थोड़ा ज्यादा था मेरे पास, एक ही सामान है किताब है, मेरे कपड़े तो 2 ही 3 है बस किताब है, तो उठाए गट्ठर, अब कैसे उठाए तो कुली चाहिए भाई, तो ढूंढना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया, मैंने कहा भाई जरा ले चलो बाहर तक, उसने कहा साहब थोड़ी देर रुक जाओ मेरा कुछ झगड़ा है, किससे झगड़ा है, तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर मैं ले जाऊंगा, तो मैं खड़ा हो गया दोनों की बात सुनने लगा, पति और पत्नी बात कर रहे थे, उसकी पत्नी कहीं गांव से आई हुई थी कोई मामला था, मुझे ज्यादा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो है ना स्थानीय भाषा बोलते हैं और मैं थोड़ा मूर्ख आदमी हूं मुझको कम समझती, तो मैं सुन जरूर रहा था झगड़ा चल रहा था, अंत में कुछ फैसला हुआ और फैसला हुआ फिर उसने कहा चलो अब आपका सामान लेता हूं, तो मैंने जिज्ञासा से पूछ लिया भाई बात क्या थी, तो उसने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा बता दो भाई, उसने कहा मेरे घर की बात है आपको क्या बताऊं, तो फिर भी मैंने कहा बता दो, तो उसने कहा बात इतनी सी थी कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी मैं मान नहीं रहा था, फिर मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा अब मैंने मान लिया, मैंने कहा क्यों मान लिया, अब देखो उसने जो आगे बोला तो मैं तो दंग रह गया, मुझे लगा कि मैं इसके पांव छू लूं, ये इतना महान आदमी है, कुली है, वो कहता है जी स्त्री जो होती है ना स्त्री वो खूंटा होती है, खूंटा, खूंटा समझते हिंदी का शब्द है खूंटा, खूंटा जिससे हम गाय बांधते हैं बैल बांधते हैं, वो कहते हैं स्त्री जो होती है खूंटा होती है और इस खूंटे से पूरा घर बंधा रहता है, ये खूंटा उखड़ गया तो घर उखड़ जाता है।
अब मैंने कहा कि भाई इसने कहीं यूनिवर्सिटी में गया नहीं, कोई डिग्री इसके पास है नहीं, इतने ज्ञान की बात इसने कैसे कही। तो मैं पूछा तुम कहां रहते हो, तो उसने बताया वहां रहता हूं, कंकड़बाग कोई जगह बताई थी वहां रहता हूं, झोपड़ी में रहता हूं। फिर मैंने कहा ठीक है झोपड़ी में रहते हो वो अलग बात है, तुम्हारे मित्र यार कौन है? तो उसने कहा मेरे ही जैसे हैं, कोई कुली है, कोई पत्थर तोड़ता है, कोई कुछ करता है, हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाएं करते। मैंने कहा बड़े ज्ञान की बात है ये, तो कोई फिलोसोफर इस बात को पाने में 10 साल लगाएगा, डबल PhD करना पड़ जाएगा उसको, ट्रिपल PhD और उसको साधारण। तो मेरा ये मानना है कि ये बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ज्ञानी हैं, ये अनजाने में कई बार ऐसी बातें करते हैं या ज्ञान के काम करते हैं, जो जानकर करें तो सबका गौरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है। तो बागवट जी ने कह दिया, उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अनजाने में ये किया कि बागवट जी कह गए इसलिए गोमूत्र में घिस के दो, हरडे है ना, गोमूत्र में ही घिसके दो तो ज्यादा लाभ करती है, पानी में घिसके दो तो कम लाभ करती है, ऐसे ऐसे। तो मैंने उन वैज्ञानिकों से झगड़ा ले लिया इसी आधार पर कि ये बोला है हजारों साल किया है, ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स नहीं रखी उन्होंने, तो ठीक है हम निकाल के देंगे आपको। तो उनका एक ही कुतर्क था कि जी मूत्र इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको, आपका मूत्र अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको। फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है, माता है, माता है, माता। वो कभी भी हम कहते थे गाय तो वो कहती थी गाय मत बोलो, गो माता, या तो माता बोलो नहीं तो गो माता, गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने, क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका, तो गो माता है। अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है, ये आप सब जानते हैं, बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है दूध, तो मां दूध छोड़ना शुरू कर देती है, बच्चे होने के पहले तक नहीं है वो, बच्चा होने के बाद ही है। तो माता के बारे में ये कहा जाता है, मां की परिभाषा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है। तो मुझे लगा गाय भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए, मूत्र तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है, हम मूर्ख हैं कि उसको इकट्ठा नहीं करते, बेकार जाने देते हैं। तो वैज्ञानिकों को मैंने कहा भाई हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि ये गाय नहीं है माता है, तो मां कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है तो शायद ये जरूरी हो। तो उनका अच्छा ठीक है, अब आप बहुत जोर दे रहे हो, और हमने कई तरह का प्रेशर डलवाया था उनके ऊपर, तो चलो करके देख लेते हैं। फिर एम्स के और MCI के वैज्ञानिकों ने काम किया, और काम करने के बाद 8 महीने के बाद वो कहते हैं बात आपकी बिल्कुल सही है, ये गोमूत्र हमारे लिए ही गाय छोड़ती है, हमारे लिए ही छोड़ती है, हमको 20 बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है। तो आप अपने जीवन में गाय के प्रति देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो। अब तक आप गाय को दूध के लिए देखते थे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मूत्र के लिए देखो। दूध तो बोनस है, मूत्र उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक मिलने वाली औषधि है। दूध तो थोड़े ही दिन मिलेगा, आप जानती हैं गाय थोड़े दिन दूध देती है, जैसे मां थोड़े दिन दूध दे सकती है वैसे गाय भी थोड़े ही दिन दे सकती है, हमेशा नहीं दे सकती, थोड़े दिन के बाद दूध बंद हो जाता है, लेकिन मूत्र जीवन के आखिरी दिन तक देती है। और उस मूत्र से हमने करके देख लिया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती हैं। ये बीमारियां क्या क्या हैं फिर से सुना देता हूं, जोड़ों के दर्द सब तरह के, किसी भी स्तर के जोड़ों के दर्द, पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की, कफ की बीमारियां किसी भी तरह की, गोमूत्र से ठीक होती है। आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए, बागवट जी ने इसका तरीका ये बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सवेरे का, सवेरे का समय बताया है, अच्छा है सवेरे गोमूत्र लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? तो ये मात्रा बागवट जी बोलकर गए कि जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, उनको एक दिन में 100 ग्राम नहीं कहा है, लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है, और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए, नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो लगभग 100 ग्राम। तो जो बहुत बीमार हैं उनको 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर माने एक कप जो चाय का है ना उसमें 150 ml